अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, सबने मुझे ये बात की थी कि मैं मुसलसल कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस दफा वाले व्लॉग में मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तो मेरे पास जगह है जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों के कॉमेंट्स को सीरियसली लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ मामा के पास उनको उनका प्रेजेंट देने, मदर्स डे। बाय द वे, दिस इज द शर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, मैं आपके लिए एक चीज लाई हूँ। मेरे लिए? क्या चीज? कैसी है? प्यारी है। क्यों लाया बेटा? आपको लगी कैसी? माशाल्लाह, ये मदर्स डे का गिफ्ट है। थैंक यू बेटा, तुम ये विश कर देते हो ना मेरे लिए। ये बहुत कितना प्यारा मौसम है आज। आज बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज है मेरे पास। गुड न्यूज क्या, सबको पता ही है कि क्या बात है। बात ये है कि मेरे एक लाख नहीं, सॉरी 1.5 लाख, हाँ मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया। ओ खुशी, मुझे रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, मुझे साथ ने ना बताया था, मुझे कहता कि तुम्हारा ब्लॉग अपलोड करेंगे तो तुम्हारे एक दिन में ना 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा साथ, बस तुम तो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हो। लेकिन ही वॉज राइट। और पता है 11 आवर्स में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए। उसके बाद ये बस हो गई हूँ, उसके बाद मैं उठी हूँ 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे कुछ घंटों में। मैं 6 घंटे सोई हूँ, आई थिंक 6 घंटे बाद जब मैं उठी हूँ पूरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। मुझे बहुत रोना आ रहा है, आई एम सो हैप्पी। और मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ, उसके बाद मेरा दिल कर रहा है मैं व्लॉगिंग शुरू करती हूँ, मैं डेली व्लॉगर ही बन जाऊँ, साथ ही बन जाऊँ। मैंने ना अपनी मामा को अभी तक नहीं बताया कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हुए। मैंने उनको ये जरूर बताया था कि मैंने व्लॉग अपलोड किया है, व्लॉग उनको बहुत पसंद आया था, बाबा को बहुत पसंद आया, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया। अब मैं जाऊंगी अपनी मामा के पास और उनको बताते हैं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए। लेट्स गो। कैसी हैं? अच्छा, आपको एक गुड न्यूज देनी है। जी, गुड न्यूज ये है कि आपको पता है ना मैंने व्लॉग अपलोड किया था कल। हाँ जी। मामा मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। नहीं करो, कसम से। मैं नहीं मानता। क्या मतलब इतनी जल्दी? यस, मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। एक दिन में कैसे हो गए? एक दिन में नहीं हुए, 11 घंटे में हुए थे। रात को मैं और साथ बैठ के देख रहे थे, पहले हुए 1 लाख, उसके बाद हमें वो चीज रिकॉर्ड की है। और फिर जब मैं सो के उठी हूँ दोबारा, में जब गई हूँ ना वेदा का दूध बनाने, तो मुझे तुम लोगों की ना चीखों की आवाज आई। 1 लाख 100K। हाँ, 10 रह गए। 10 नहीं, 7 रह गए। 7 नहीं, 5 रह गए। ओ, 1 रह गए। लाख सब्सक्राइबर हो गए। 1 लाख सब्सक्राइबर इन 11 आवर्स। तो मैंने कहा ये क्या है? हाँ, तो मेरे 1 लाख और अब मेरे 1.5 लाख हो गए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला इसी तरह रखते कि मैंने आते करते। आमीन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। मैं बताया मेरे तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। डोंट टेल मी, कसम से। आर यू सीरियस? माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। लेटर दैट सेम इवनिंग। साथ तुम्हें कैसा लग रहा है सेलिब्रिटी के साथ बैठ के? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मुझे बहुत एक प्राउड, आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी ओवरवेलम्ड कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूँ। वो सेलिब्रिटी जो दिन रात मेहनत करके जो है अपनी वीडियोस बनाती है। और साथ बेचारा फुल मेहनत कर रहा है मेरे लिए इस वक्त। मैं चाहता उसकी बीवी किसी प्रोफेशनल ब्लॉगर से कम ना लगे, इसीलिए ट्राइंग सो हार्ड। सारी सारी रात जाके अपनी वीडियो एडिट करती है, सारी सारी रात जाके जो है थंबनेल बनाती है। थंबनेल में 1 मिनट लगता है, लेकिन उस 1 मिनट को लगता है, लेकिन उस थंबनेल को बनाने से पहले सोचने में 1 घंटा लगता है कि क्या थंबनेल होना चाहिए। सो लकी कि मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूँ जो अपनी इंस्टाग्राम की हर वीडियो खुद बनाती है। अच्छा साहब, मेरा ना 2-3 दिन में इस्लामाबाद का ट्रिप बन रहा है। हाँ। वो तुम आ सकते? नहीं यार, क्यों? गर्मी चल गई, रिकॉर्ड करनी है यार, मैंने बड़ा टाइम हो गया उसको। अच्छा, मैंने भी तुम्हें एक गियर देना है। क्या? तो ये है कि बहुत लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि तुम बहुत एफ वर्ड यूज करते हो। एफ वर्ड? यस। एफ वर्ड कौन सा? एफ वर्ड कौन सा? फिश? सार? फैंटास्टिक? फंटा? एफ फनी? यू के? एफ यू के? फकीर? एफ यू एफ यू एस के? साथ? तुम्हें समझ आ गई है ना? नहीं। मैंने साथ को डेर दिया कि ये आज के बाद से एफ यू वाला वर्ड यूज नहीं करेगा। अच्छा, वो लव्स? हाँ, वो लव्स नहीं मैं यूज कर सकता। A few moments later. मैं और मामा जा रहे हैं इस वक्त ग्रोसरी करने, वहाँ जाके मुलाकात होती है। मामा चले? अच्छा जी, तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैं अपनी मामा का वेट कर रही हूँ। ग्रोसरी करने पहुँचे हैं, तो अंदर चलो। अच्छा जी, तो हमने ये सामान ले लिया है।
दिस लुक्स नाइस। तो हमने ये वाली चप्पल ले ली है, ये ही लेना है वृद्धा के लिए, साथ ही साथ लेना। क्या कह रही है? मैंने कहा खालू और खाला दोनों मिलके ही शॉपिंग करेंगे। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। मैं साथ को दूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं साथ के लिए कोई की चेन ले लूँ। इनमें से कौन सा लूँ? ये इस तरह का, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता हर वक्त। साथ का हर वक्त मूड होता है ये। दिस इज साथ 24/7 मूड। हम लोगों की ग्रॉसरी कम्प्लीट हो गई है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। बल्कि नहीं, घर नहीं जाना। और आपने कुछ खाना? सुशी खानी है। क्यों? आपको मैं ट्राई कराती हूँ। यार इन्होंने गरम गरम पंखा मेरे मुंह के ऊपर चलाया है, इसमें से ठंडी हवा नहीं, इसमें से गरम हवा आ रही है, इतनी लगी है। मेरे साथ साथ ही आया, मैं उसे कहती हूँ कि चुप्पे मार ले, काफी ठंड हो जाती है। हमारा खाना आ गया है। मामा कैसा लग रहा है? चॉपस्टिक से मुझे खाना नहीं आता, बट लेट्स ट्राई। गैप कम करो। अरे उसको कहो। आई नीड अ फोर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आया? कैसी लगी, कैसी आपको? अच्छी है, अच्छी है। Now we're going back home. घर हम लोग पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। नूर तुझी ट्राई करने लगी है, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। चलो पूरा 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 मुंह डालो। मजे की है। आई एम हैप्पी कि तुम्हें पसंद आया। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं फील कर रहा पान की तरह। Yeah, it's so good. Don't act that you didn't like it. It's like kacha flavor mere yahan pe hai. Tum log jhooth bol rahe the mere se. Tum logo ko pasand aaya? Hey, I was acting. Wow, kya acting kar raha? Main tumhara dil rakhne ke liye kar. Oh, bhaiya, aapko machhi keh rahi hu. To aap machhi, iski shakal machhi se nikla kaanta jaisi hai. Machhi se nikla kaanta, abbu ne mara chaanta, humne pi. Badi kachi, humne गॉड। बिल्ली के बच्चे तो क्यूट है। किसी ने घर से बाहर निकाल के, हाँ। किसी ने बच्चे दिए उसको, हाँ। डब्बे में डाल के घर के बाहर छोड़ दिया, या किसी के घर के बाहर रखा है। They're so cute. Cute. New addition in family. Tomorrow. Morning guys. आज हमारे घर पे दावत है। आज हम लोग बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की डिशेज। मेरा भाई बना रहा है मीठा कस्टर्ड ब्रो। मेरा भाई बना रहा है कस्टर्ड। मेरी बहन ने बनाया है लज़ानिया। मैं बनाऊंगी लज़ानिया नहीं होता, लाज़ाग्ने होता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। मामा ने मुझसे बोला है कि सारा घर का खाना जो होगा हम तीनों बच्चे बनाएंगे, यानी कि मेरे दो बड़े बहन भाई हैं, एक मेरा भाई है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरी बहन है, और उसके बाद मैं हूँ जो उन दोनों से 10 साल छोटी हूँ। मामा ने बोला है कि हम तीनों घर पे खुद खाना बनाएंगे। मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, यानी कि देसी डिश सिर्फ हम तीनों में से मैं बना रही हूँ। मुझे वैसे आता नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। मुझे गाइड करती रहेंगी मामा पीछे से। फिलहाल मैं इसके अंदर करने लगी हूँ प्याज को ब्राउन, राइट? यस। अभी मैं इसे प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी ज्यादा लोगों को खाना बन रहा है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। हेलो, ये गोल्डन करने के बाद गेस करो मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। ये मेरे घर का पता नहीं कौन सा कोना है, इसका मुझे खुद भी नहीं पता था मैं यहाँ पे आई हूँ। ये कितनी अच्छी जगह है छुपने के लिए। अगर मुझे कभी कोई चाय बनाने का बोले तो मैं यहाँ के छुप सकती हूँ। आई नीड अ कॉफी, समझ रहे हो? क्लेवर। अच्छा तो हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे, ठीक है? खुशबू के लिए लहसुन अदरक हमें डाल दिया है। लहसुन अदरक के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटोज। अब इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी हैं और टमाटो भी है। इसमें मैंने रख दिया ताकि टमाटो जो है वो नरम हो जाए, उसके बाद फिर हम इसके अंदर मसाले डालें। चाची अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये मसाले वो वाले हैं जो मेरी मामा ने मुझे डाल के दिए हैं, क्योंकि मुझे मसालों का भी बैलेंस नहीं पता करना आता। आप इसमें जल्दी से थोड़ा पानी डालो। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालो। काफी है? थोड़ा और डालो। थोड़ा सा और। एक ग्रेवी वाला बना रहे हैं या हाँ, ग्रेवी वाला कोरमा। ग्रेवी वाला कोरमा, यम्मी, आई लव इट। अच्छा मेरा अपना एक बिलीफ है, वो ये है कि अगर आप खाना बनाते हुए उसके ऊपर आइस पर कुर्सी पड़ के फूंको ना तो खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। हम इसके अंदर डालने लगे हैं दही। अब हम इसको क्या करेंगे, भूनेंगे। मैं इसे पानी डाल के इसको भून लिया है। हम इसमें डालने लगे हैं चिकन। अब इसको हम मसाले में भूनेंगे और मसाले में भूनने के बाद ये हो जाएगा तैयार। फिर इसके बाद में आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मेरे कोरमे की फाइनल लुक है।
लुक्स गुड राइट, अच्छा लग रहा है। अच्छा मैंने ये डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं है, तो बस अभी फिलहाल टेस्ट करते हैं कैसा बना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। मजेदार, मजेदार। अच्छा तो मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शपक है।